नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज़ में। डीएवी शिक्षा के क्षेत्र में कैसा नाम जिसे परिचय की जरूरत नहीं है। और आज मेरे साथ मौजूद हैं पद्मश्री डॉक्टर पूनम सूरी। आज उनसे जानेंगे डीएवी के सफ़र के बारे में और अब तक के सफ़र को वो कैसे देखते हैं। सर, स्वागत है आपका डेली डायरी न्यूज़ में। सर, जिस सोच के साथ आपने डीएवी की शुरुआत की थी, आप अब तक के सफ़र को कैसे देखते हैं? डीएवी की शुरुआत जब की गई थी, दैट वाज 1886 में, ये किसी एक इंडिविजुअल की कारस्तानी नहीं थी डीएवी को शुरू करना। ये आर्य समाज के लोगों ने स्वामी दयानंद की मृत्यु के बाद स्वामी दयानंद की याद में कोई मंदिर नहीं बनाया, कोई सड़क नहीं बनाई, कोई बिल्डिंग नहीं बनाई। उन्होंने एक जीता जागता डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जो कि स्वामी दयानंद के आइडियल्स के ऊपर चलता हुआ भारत के अंदर आगे बढ़ता चला जाए। और आज भी डीएवी वही कर रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम बेहतरीन से बेहतरीन शिक्षा दें जिसके अंदर आधुनिक चीज़ें लेकर आए। हर किस्म की दुनिया से जो भी अच्छी चीज़ हो सकती है, हमारी कोशिश होती है कि हम लाकर अपने बच्चों के सामने रख दें। और साथ साथ जोर डालते हैं मैन मेकिंग के ऊपर, कैरेक्टर बिल्डिंग के ऊपर। हमारा कोई किसी को कोई मज़हब बदलना किसी का कोई काम हमारा नहीं है। हमारा सिर्फ एक ही काम है कि अच्छे इंसान बनाएं, अच्छे नागरिक बनाएं और भारत को एक ऐसे नागरिक दें जो कि आगे चलकर भारत जिनका प्राउड फील कर सके। मैं हमेशा कहा करता हूं कि डीएवी का जो एंड प्रोडक्ट है, इट इज़ मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया एंड मेड टू लीड द वर्ल्ड। बेहद ही उम्दा। सर, अनेक रत्न दिए हैं डीएवी ने, चाहे एमएस धोनी हो, चाहे कपिल देव हो, भविष्य में इनको साथ जोड़ने के लिए को लेकर क्या कुछ योजना है? बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। इस वक्त हमारा जो अलुमनाई फाउंडेशन है बहुत बढ़िया चल रही है। और अभी आपने क्योंकि सवाल पूछ लिया तो मैं आपको बता दूं, 20, 21, 22 दिसंबर जी, बहुत बड़ा कार्यक्रम जो कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर कल्चर एंड आर्ट्स का जो इंडिया गेट पर है उसमें होने जा रहा है, जहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सारे अलुमनाई ज़रूर आएंगे और साथ उनके साथ वो आगे हमारे बच्चों को भी प्रेरणा देंगे जी। कि जैसे धोनी जी हैं कि भाई बच्चों को ये बताएं कि अगला धोनी कैसे तैयार होगा। ऐसे ही शाहरुख खान हैं, हमारे विधु विनोद चोपड़ा जी हैं, रिचर्ड रेकी हैं, जितने भी आप नाम ले लें हर सेक्टर के अंदर डीएवी के लोग बैठे हुए हैं। सर, जैसा आपने कहा कि हर सेक्टर के अंदर डीएवी के लोग हैं, हर राज्य में डीएवी की एक शाखा है, क्या उम्मीद करें कि हर राज्य में डीएवी के स्टेडियम भी होंगे? आपके मुंह में घी शक्कर, भगवान ने चाहा तो जरूर बनाएंगे जी। इस वक्त तो हमारा जो फैसिलिटीज हम देने की कोशिश कर रहे हैं जी। जमीन की शॉर्टेज रहती है, महंगाई बढ़ी रहती है और डीएवी एक ऐसी संस्था है जहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग हमारा मोटिव नहीं है जी। क्योंकि अगर कहीं प्रॉफिट हो भी तो उसका हम क्या करें, कोई मालिक तो है नहीं जो कि ले जाएगा घर जैसे बाकी ऑर्गेनाइजेशन पे होता है। हमारा तो जो पैसा कमाया जाएगा यहीं का यहीं इस्तेमाल होगा, तो वही चीज़ हम कर रहे हैं। और शिक्षा जिसको वैल्यू फॉर मनी कहते हैं, VFM, वो हमारा एक पहला काम है और उसी को हम बढ़ाते हैं। इसलिए हमारे जो फीस है वो बड़ी रीजनेबल होती है एज कम्पेयर टू अदर स्कूल्स गिविंग द सेम फैसिलिटीज जी। सर, एक आखिरी सवाल, खेल को लेकर आप बच्चों को कैसे जागरूक कर रहे हैं और स्पेशली बच्चियों को क्या संदेश देना चाहेंगे खेल को लेकर? बात ये, खेल सिर्फ महज जीतने के लिए नहीं होता जी। खेल बच्चे के अंदर स्पोर्ट्समैनशिप लाने के लिए होता है। खेल का असली मकसद ये है कि गिव योर अपोनेंट अ लेवल प्लेइंग फील्ड। जितने भी गेम्स हैं उन सब के अंदर प्लेइंग फील्ड लेवल पे होता है, एक तरफ ऊंचा एक तरफ नीचा नहीं होता, एक के पास ज़्यादा दूसरे के पास कम नहीं होता, दोनों को बराबर चीज़ें दी जाती हैं ताकि बराबरी के अंदर आकर फिर जो बेटर मैन विंस, उसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए। और यही इसी को मैं कहता हूँ नैतिकता है जी। आज भारत में वो कुछ कम होती चली जा रही है, लोग दूसरे को एल्बो आउट करके बाहर फेंक रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। लेट दी बेटर मैन विन, गिव द अदर पर्सन अ लेवल प्लेइंग फील्ड। और यही हमारी, इसके लिए हमने स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया। डीएवी के स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? डीएवी के जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, आप क्योंकि आज स्पोर्ट्स का माहौल है तो मैं स्पोर्ट्स के बारे में ही बताता हूँ कि हमें प्रधानमंत्री जी ने एक चैलेंज दिया था जी। 2016 में
चैलेंज ये दिया था कि 2020 में क्या डीएवी ओलंपिक्स में गोल्ड ला सकेगा जी। उन्होंने एक बात कही थी कि डीएवी का डंका भारत में क्यों बजे, बाकी जगहों पे क्यों ना बजे, बाकी सारी दुनिया में क्यों ना बजे। तो हमारी कोशिश है कि मेरे स्टूडेंट्स के थ्रू, क्योंकि दे आर मेंट टू लीड द वर्ल्ड, दे आर मेड फॉर दैट पर्पस, दे आर रेडी फॉर इट, दे आर बेटर देन अदर्स, इसलिए आई होप एंड आई प्रे कि भगवान उनको शक्ति दे और वो आगे चलकर डीएवी का नाम, भारत का नाम रोशन करेंगे। और भगवान ने चाहा तो हमें हर हालत में 2020 में गोल्ड मेडल मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे डॉक्टर पूनम सूरी, जिनका कहना है कि डीएवी का डंका राष्ट्रीय स्तर के साथ साथ अब जल्द ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बचने वाला है। डेली डायरी की रिपोर्ट।